सो जी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 2 और मैंने बुक की है कैब। अब मैं, स्वाति और विनी मेरी सिस्टर, हम तीनों जा रहे हैं रांची। पापा मम्मी ऑलरेडी रांची जा चुके थे, दादू से मिलने जा रहे हैं, तो विनी इसके लिए स्पेशली यूएस से आई है, तो अभी कुछ टाइम तो वो यहीं पे रहेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी रुक जा 1 महीने के अंदर। तो 16 फेब से 16 मार्च के बीच में अपनी एक्सीवी 700 डिलीवर होगी। बुकिंग तो मैंने पहले की थी, बट टेस्ट राइड के समय विनी गई थी, तो यार अभी ना मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई रुक जा। खैर अभी जा रहे यहाँ से सबसे पहले एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ से सुबह 5:15 की अपनी फ्लाइट है। कैब बुक कर दी है, कैब अगले 10 मिनट में यहाँ पे आ जाएगी। सामान नीचे ले जाते, सारे लाइट वाइट ऑफ करते, घर को लॉक करते और निकलते हैं रांची के लिए। तुम लेट करवा दोगी, ऑलरेडी 2 बज गए रात में। तुम ही काम करोगे दिन रात, हम नहीं करेंगे। ये तो तुम पूरा जो घर का ना माहौल बनाई हो ना, जहन्नुम टाइप का। हाँ, सारा कपड़ा इधर उधर, होमलेस वाले लग रहे हैं ना, गार्बेज बैग में मेरा सारा सामान रहता है। हाँ ऐसा ही लग रहा है, जल्दी तैयार हो, फ्लाइट छूट जाएगा। भाई इसको तो थोड़ी देर काम करने देते हैं, सब चीज ऑलमोस्ट पैक वैक डन है। तुम तैयार नहीं हो अभी तक? बस कॉम करना है और जैकेट पहनना है। चलो कर लो जल्दी से, स्कूबी भी नहीं है ना, तो एकदम अलग सा सुनसान सुनसान सा लगता है घर। पूजा कर लेते हैं। सुबह सुबह भगवान जी को अगरबत्ती दिखा दिया है, और अगरबत्ती हम यूज़ करते हैं देव दर्शन का। इसमें बहुत सारे फ्रेग्रेंस आते हैं, बहुत अच्छा खुशबू आता है। मतलब अगरबत्ती अगर आप पूजा नहीं भी कर रहे हो तो घर पे जला के रखोगे ना, तो पूरा घर एकदम ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस से भर जाता है। तो ये देव दर्शन का चंदन टीका है, ये देव दर्शन का चंदन केसर टीका है, और ये रेड वाला रोली टीका है। एंड ये तीनों टीके की खासियत ये है ना कि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है। तो देखो तीनों टीका सेमी सॉलिड फॉर्म होने से एक्चुअली आपके ना फेस पे वो स्पिल नहीं करता, वो फैलता नहीं है। तो चलो टीका लगाते हैं। शांत मन, सुगंधित वातावरण। तुम पहले तैयार हो जाओ जल्दी, मेरा बैग बस लिफ्ट में डाल दो ना। अच्छा तुम काम नहीं कर सकती इतना, पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये बताइए कौन 4 घंटे पहले जाता है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए? चलो भाग गया, पापा भी नहीं जाते हैं। भाग गया। चलो भैया जल्दी चलो, तेरा बैग कौन ले जाएगा? नौकर है। ये हम लोग तो नीचे है, कैब वाले भैया ही नहीं आए, नहीं आ रहे, आ रहे थे, आ रहे। लाइट जल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, सब एक इसमें से काट लेता है। इधर आओ, नहीं इधर मत आना भैया। चाय पगलेट सब भाई, कुत्ता सब कितना बदमाश है यहाँ का ना, यहाँ डरा ही दिया। स्विफ्ट में भी साला बॉडी रोल है। तुमको पता है इंडिया में, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग रेबीज से मरते हैं, और उसके बाद बोलिविया है। तुमको काटा है ना कुत्ता? बोलिविया में काटा है, तुम कम चांसेस है मेरे मरने का। ऐसा लग रहा है जैसे आदमी लूट करके चल रहे हैं ना, आगे इतना बैग है। हाँ, 3 आदमी 2 दिन के लिए पता नहीं कितना बैग लेके जा रहे हैं ना। पुलिस खुद ही सिग्नल ब्रेक कर रहा है, देखो उल्टा जा रहा है। ये स्कॉर्पियो वाला मतलब ही नहीं है पुलिस है चाहे कोई, भाई स्कॉर्पियो रखे अलग सिंगम बना पड़ा है ना भैया, पूरा माइकल शूमाकर बन गया ना। नहीं, फ्लाइट से पहले हम रांची पहुंचा देंगे, इस स्पीड में भैया चला रहे हैं। पीछे हम लोग को ट्रक देख के दुख दुख हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि भैया तेज चला रहे, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिजायर में, वो मारुति सुजुकी का है। गजब बेइज्जती है। सुनने बटा सन्नाटा पड़ा हुआ है ना, सुनने बटा सन्नाटा पड़ा हुआ है। इंडिगो का पूरा काउंटर ही खाली है। आ जाओ विंडो सीट लेंगे ना फ्री वाला। भाई इतना खाली एयरपोर्ट तो कभी नहीं देखा, और इनकी तो अभी सिक्योरिटी चेकिंग चल ही रही है। अब ऊपर जाके ना तो अपन कुछ खाएंगे, लाउंज में बैठेंगे या फिर यहाँ पे। हाँ लाउंज में बैठते हैं। हम सोचे कि लाउंज में बैठेंगे, कुछ खाएं वाएंगे, यहाँ साला कुछ है ही नहीं खाने को। हैं, भूख लगी है बहुत तेज, लगा कि आराम से पेट भर खाना मिलेगा। कह रहे सुबह 3 बजे ब्रेकफास्ट कौन करता है, 3 बज के पर इसीलिए तो आए थे ना जल्दी कि डिनर भी मिल जाए ब्रेकफास्ट। तुमको पता चल गया ना खा कौन रहा है। भाई इतना तेज कटा है ना आज हमारा, इतना तेज कटा है। 4:10 हो रहे हैं, इडली लगा ही नहीं है। अब मैं 3:15 से इडली का वेट कर रहा हूँ। अंदर किचन में जाके देखो, छोटा छोटा कटोरी में बना रहे हैं, उठ नहीं पाए टाइम पे। चाय पी के क्या पेट भरे? अरे दाल चावल आ गया, आ जाओ। दाल चावल कौन खाता है सुबह? इडली खाना है मेरे को, लाइव काउंटर भी नहीं खोला है, बताओ।
चलो रात भर नींद खराब करके इडली खाने आए, अच्छा नहीं लग रहा हमको। ये तुम खुद देखोगे ना बार बार, ये डालोगे नहीं ना व्लॉग में। फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई और हमें मिला है बहुत सारा इडली और ये सेवई उपमा, ये सांबर और मैंने एक मफिन, और ये लड़की सबसे ज़्यादा खा रही है। हाँ, थार बेकार में बदनाम है, बॉडी रोल तो इसमें भी है। भैया कह रहे उतार दूंगा अभी, कोई मेरे को जगाना मत, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? सोना फिर रांची में उठा देना एक स्टेशन पहले। यार चला क्यों नहीं रहा है? हाँ? भैया जल्दी चलाओ, भैया चला ही नहीं रहा है। शीशा भी साफ नहीं किया ना, इनका भी सुबह कपड़ा मारने वाला मेरी तरह, हमारे भैया की तरह, मेरे गाड़ी भी इतनी गंदा रहता है, ये मेरे भी कितना गंदा है। फिर साला पूरा खाली था, तो पैसा क्यों लिया? टिकट बताओ 2000 रुपये का टिकट, चलो 5000 रुपये में कर दे जब खाली था। तुम लोग जाओ दूसरे दूसरे सीट पर बैठो, इधर हम लेट जाएंगे। आज भी मेरे को फ्लाइट में विंडो सीट चाहिए और मैं विंडो सीट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है यार, इन्होंने भी IPS प्रोजेक्टर लगा हुआ ना जूम का, मैंने गाड़ी थार में लगवाया। हाँ, रात के टाइम पे विजिबिलिटी अच्छा रहे। चला के नहीं रहे भैया, तो सब सवारी भी आ गया। हाँ, तो बस वाले की तरह कोई और आ जाए, टेम्पो वाला नहीं होता जब तक पूरा भरेगा नहीं तब तक चलेगा नहीं, उसी टाइप का लग रहा है। हंस के लिए यार, वैसे ऑटो में नहीं होता है कि सवारी बैठेगा पूरा तभी चलेगा, कहाँ से लाए इतना सवारी? मैं तो दीदी को कहा कि उधर से हटाओ लोगों को इमरजेंसी एग्जिट से, उनका काम हम बचेगा, आगे भेज दो, लेकिन क्या करें, काम है तो काम है। हमारे आज के कर्मी दल अनुराधा, रवीना, साने और मैं शीतल आपके मुख्य कर्मी दल हूँ। हम हिंदी और अंग्रेजी, अनुराधा और रवीना, हमें बेहद खुशी है कि आज आप हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं उड़ान के दौरान। आपको मैं कॉलेज के टाइम पे था ना, तो जब ट्रेन से ट्रैवल करता था ना, तो जब ट्रेन लगती थी ना तो सबसे पहले चार्ट पढ़ता था, पहले अपनी सीट देखता था फिर आजू बाजू सीट देखता था। अभी उधर से दीदी आई, कही कुर्सी सीधा करो, मैंने बटन दबा सीधा ही नहीं हुआ, फिर एक बार करो तो करो, करो पीछे देखो अब सीधा हो रहा है, ग्रीस ही नहीं लगाया भाई, वो हो ही नहीं रहा है, अब हो गया भाई, अब इससे क्या सीधा होगा, झुक जाए आगे, ये गलत है ना, ये तो प्रॉपर ग्रीसिंग। देखो अभी ऐसे छोड़ दिया, देखो कैसे आवाज़ करें, अब इसको ऐसा करेंगे, देखो यहीं पे रुक गया, आगे करो एक बार, आगे करो, आगे हो चुका है, स्टूपिड, देखो अब हुआ है। इंडिगो पहले प्रॉपर ग्रीसिंग करो। विन्नी कह रही है कि ये जितने भी फ्लाइट्स होते हैं ना, विन्नी क्यों कह रही है यार, तुम अभी कुछ नहीं कह रही है, तुम कसम खा, विन्नी कुछ नहीं कह रही है, ये कुछ भी नाम जोड़ के बोल रहा है। ओके, हम भगवान कसम खा रहे हम झूठ नहीं बोल रहे। कह रही है ये जितने भी प्लेन्स है ना ये सारे डिस्कार्डेड होते हैं, तो मैंने कहा हाँ देखना अभी जैसे ही चलेगा ना तो विंग्स ऐसे ऐसे हिलेगा, तो मैंने कहा महिंद्रा का मेरा भी यही हालत है, जब चलता है तो बल बल ही हिलता है। चुप रहो यार, मेरे को बहुत इरिटेशन हो रहा है, भैया चला नहीं रहे इतनी देर से, गेट पहले 15 मिनट पहले ही बंद कर, चलो यार इसके पास में बैठना नहीं, चलो साथ ही चलो आगे बैठ, चलो जाओ जाओ आगे जाओ, अभी बोल देंगे ना कि पैसा तो दी नहीं है, एक्सेल वाले सीट में बैठ रही है, जब बोर्डिंग करना था तो बोली फ्री वाला जो भी अवेलेबल है वो ले लो, अभी बता देंगे ना दीदी को, तो दीदी निकाल देंगे वहाँ से। एक्चुअली अनाउंसमेंट हुआ अभी, भैया कह रहे थे रिवर्स गियर लग नहीं रहा था इसीलिए फ्लाइट थोड़ा डिले हो गया है, अभी रिवर्स लग गया उनका, गियर ब्रॉक्स में प्रॉब्लम था तो अभी ठीक है, फ्रंट लग जाएगा ना भैया के रिवर्स में ले चलोगे। कुल अंधेरा कर दिए दीदी, और NVH लेवल देख रहे हो कितना तेज़ आवाज़ आ रहा है, अच्छे से डैम्पिंग नहीं हुआ है गाड़ी का। भैया ऑटोमीटर कंपोरियम करोल बाग प्रॉपर डैम्पिंग के लिए। भाई किसी फ्लाइट वाले वीडियो में देखे थे कि इसके जो विंग्स होते हैं ना उसमें ऑयल भरते हैं, यहाँ सारा लीकेज है, पक्का लीकेज है भाई, देखो यहाँ से पना पानी गिरा, अब इतना गंदा है भैया, इतना गंदे तरीके से साफ किया क्या ही दिखेगा, बट यहाँ से पानी गिर रहा था, पानी गिर रहा था, तेल गिर रहा था, ऐसा नहीं कि मिड फ्लाइट में बोले कि भैया अब तो डिजर्व आ गया, अब ज़्यादा ना चल पाई। आओ भैया रोड से ले जाओगे क्या? तब से चले जा रहे हैं, अरे उड़ाओ भैया, 15000 रुपये का 300 टिकट लिए हम लोग, तो रोड से जाना था, गाड़ी से XUV से चले जाते, कहाँ ले जा रहे हैं, जब साला टर्मिनल 1 पे बुला के टर्मिनल 3 का रनवे यूज़ करता टर्मिनल 3 पे बुला लेते, साला टैक्सी का भाड़ा भी कम लगता। हाँ ये तो गलत है ना यार, 1 पे बुला के 3 वाले रनवे पे जा रहे हैं, रांची आने वाला है, सो जाओ, तुम सो जाओ, कहाँ तो सो जाए, जब चलना चलाना ही था तो हमको दो चलाना।
रोड ही पे चल रहे हैं तो हमको तो हम भी चलाएंगे। तो बैठे हमको पीछे बैठ के तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। दो तीन बियर पी के आदमी आए ना तो आज प्लेन तुम्हारा भाई चलाएगा। ये कौन सा लाइट है यार, ये लगवाना हमको थार में। ये ले, सही लग रहा है, जो ब्लिंक कर रहा है। हाँ कमल भैया देख लो, ये वाला चाहिए। देखो अब भैया आरपीएम बढ़ाया है, अब तेज उड़ाएंगे। हाँ देखो देखो देखो, उड़ गए उड़ गए। धीरे धीरे भैया, आराम से, डराना मत, पैसा पूरा लिए हो, आराम से चलना। ये वाला शॉट बहुत अच्छा आ रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा ना गंदगी की वजह से। एलेक्सा स्विच ऑन ट्यूबलाइट। देखो इसका अंडर थाई सपोर्ट कितना कम है, हा? पूरा पैर ऐसा बाहर फैला हुआ है और यहाँ पे डेड पेडल भी नहीं है। और सीट का देखो थिकनेस कितना कम है। ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम से इनको ऑटो फोम का सीट कवर लगाना चाहिए। ना काम इंडिया के लिए कर ली होती है, सिर्फ डॉलर कमाने के लिए तुम काम कर रही हो। साला यही सब देशद्रोही है ना, हाँ बाहर के कंट्री के। साला तभी यूएस ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अब जी फ्लाइट में ट्रैवल करने का गुरु मंत्र बता रहा हूँ, जैसे ही बोर्ड करो, और आपकी सुबह की फ्लाइट है, जैसे ही बोर्ड करो वैसे ही सो जाओ। या तो आप शिकार हो या तो आप शिकारी। सोने में थोड़ा सा देर हुआ और मैं शिकारी बन गया, नहीं सॉरी शिकार बन गया, क्योंकि बाकी सारे लोग कोरस में खर्राटे ले रहे थे। तुम कितने खर्राटे ले रहे थे पता है तुमको? एडिट करो। खर्राटे जी हम रांची पहुंच गए हैं। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, वी रीच एट रांची एयरपोर्ट। थैंक यू। सो जी ऑलमोस्ट 350 साल बाद हम पहुंच गए रांची। अब अरे इतनी जल्दी बैग मिल गया। मेरा भी पैर छुओ, मेरा पैर छुओ, मेरा पैर छुओ, इसको मत बिठाइए। तो आप इतना हीरो बन के क्यों आए हैं, हाथ वाथ स्लीव्स वगैरह फोल्ड करके? लेग रूम है ना वहाँ पे। कुछ दिन में इस गाड़ी को पता है क्या वो घोषित कर देंगे ना, क्या कहते हैं उसको, इसको विंटेज। हाँ इसको ना विंटेज घोषित कर देंगे। 35 साल। अरे झूठ मत बोलिए पापा, सबको पता है आज तक इसका पन्नी नहीं हटा है। ये लास्ट टाइम भी आए थे तो नहीं हटा था। कितने साल हो गया? 23 साल हो गया। 15 साल में। इनके गरीबी कितना है, फट गया है, अब इसको रफू कराना पड़ेगा। हाँ इसीलिए तुम लोग आए। ठंड है यहाँ पे, हम पूछ के आ रहे हैं, ठंड तो लग ही नहीं रहा। पूरे रास्ते पगला के आया है। अरे पगला के क्या है, पूरे फ्लाइट में ना सबको परेशान कर गया। ले हो, हम परेशान थोड़ी ना किए। तो बिल्कुल सीट कंफर्ट नहीं है ना, और वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इन लोग सर्विसिंग नहीं कराता प्लेन का टाइम पे, तो इंडिगो को सबसे पहले डैम्पिंग कराना चाहिए, और दूसरा मुस्कान मोटर्स पे अभिषेक भैया के पास जाना चाहिए। जितना मैकेनिकल प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व कर देंगे। एक्सयूवी में जितना प्रॉब्लम था ना सब मुस्कान मोटर्स से सॉल्व करवा लो अपना, तुम्हारा भी तुम रांची आए ना, तुमको काके में भर्ती करने। हाँ तुमको यूएस से बुला के, वहाँ तुमको ज्यादा महंगा पड़ रहा था, तुमने कहा चलो सस्ता में भर्ती करवा देते, कम से कम मानसिक बुद्धि तो बढ़ेगा। बहुत सालों पहले तक इधर हम एयरपोर्ट पे ना ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, अपने घर इधर ही है बगल में, तब गाड़ी लेके क्यों, हम लोग पैदल ही आ जाते। हम लोग तो बैग में वैसे भी चक्का लगा ही हुआ डलान है, बैठ के ऐसे पीछे से एक दूसरे को टेल टेल के आ जाते। अच्छा जब इधर आई तो समोसा ले लेते ना, उसके बाद पहले पिछले रात वाला जो बचा था वो खाए, उसके जो सुबह फ्रेश बना वो खाए। तो हम लोग हाँ लाउंज में ना, हमें भूख तो बिल्कुल नहीं है, दो तीन दिन तो हम खाएंगे भी नहीं। बहुत ज़्यादा साइड में मत कीजिएगा, इधर नाली है ना। हेलो चाची, व्हाट्सअप, क्या है सैंडविचेस? फिर मैं एयरपोर्ट से लेके आता हूँ ना। हाँ ब्राउन ब्रेड तो नहीं भूलोगे? ब्राउन ब्रेड नहीं भूलूंगा चाची, लिख के रख लेते। पहले वो ऐसे ही ढलान से जाओ और संजय से बात करते हुए निकल जाओ। तो जी वापस से एयरपोर्ट चलते हैं, एक्चुअली कजन आ रहा है तो उसको पिक करना है, एंड बाकी मास्क ले आना पड़ेगा। भाई गियर नॉब देख रहे हो, खतरनाक ही है, 5 गियर है गाड़ी में। ठीक है, हमको उधर से एक जेन लेके आना है।
ये तुमको फिट रहेगा। तुम रांची का रास्ता मालूम है? नहीं नहीं रांची का रास्ता नहीं, लेकिन जीपीएस है ना, मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। नहीं नहीं आई हैव मास्क। चलो जी अब इस गाड़ी को मुड़ाते हैं। एक्चुअली जो हमारी पूरी फैमिली है ना, मतलब दोनों चाचू पापा हम सारे कजन्स, तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। दादू से मिलने आए हैं, दादू की एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी बीच में ख़राब थी तो हमने सब ने टाइम निकाला। विन्नी यूएस से आई। यहाँ के रास्ते ना थोड़े से पतले हैं और एक दो अगर गाड़ी लग जाती है ना तो फिर दिक्कत होता है। बाकी यार भाई साहब क्या ताबड़ तोड़ भाग रही है भाई। ब्रेक लगता है ना? हाँ थोड़ा कम लगता है लेकिन लग जा रहा है। इस गाड़ी की हालत देखो, मतलब बस चल रही है, ये इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बच्चों ने ड्राइंग वाइंग बनाया है। इधर उधर से देखो, मड फ्लैप की हालत देखो। कहाँ तुमसे इंडिका चलवा दिया यार। क्या है ये? पर दर्दती है देखना, पीठ में दर्द ना हो जाए। आज इतना मस्त है ना। कितना टाइम हो रहा है? 6:51, ऑलमोस्ट 7 बज गए यार। और अब निकल रहे हैं इस गाड़ी को लेके। एक्चुअली रांची आए और लिट्टी नहीं खाया तो फिर बेकार ही है रांची आना। तो यहाँ से जो है उनको तो पता है कि यहाँ का लिट्टी बहुत फेमस है। तो अभी अपन जा रहे हैं इस गाड़ी को लेके लिट्टी खाने। लेकिन ये मृदुला वापस आई तो बोली कौन हरामखोर ऐसे गाड़ी लगाया है वहाँ पे ना बैल्कनी में वेट कर रहा था, तुरंत तुरंत अंदर चला गया दोनों हस्बैंड। तो जी ये है वो लिट्टी शॉप जहाँ से हम लिट्टी खाने वाले हैं और ये बहुत फेमस बहुत पुराना है। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा। ऊपर जाते हैं थोड़ा सा काम वाम करते हैं। अगर अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन पीस।